हमारे यहाँ नवरात्रि चल रही है, तो मैंने सोचा मैं व्रत की एक थाली, स्पेशल थाली तैयार करूँ। तो वे थाली मैंने इस प्रकार से तैयार की है। ये आलू टमाटर की सब्जी, ये साबूदाना की खिचड़ी है। देखिए जी, आलू साबूदाना है इसमें जो मैंने बनाई है। दीजिए, आलू साबूदाना की खिचड़ी है, लौकी का हलवा, अंगूर, हरी चटनी, और ये नरम नरम पूड़ियाँ हैं व्रत के लिए। प्लीज आप जरूर बनाएं। कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत की थाली। तो सबसे पहले हम चलते हैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने कुछ हरी मिर्ची और मूंगफली के दाने, साबूदाना और टमाटर लिया है, भुना जीरा। अब हम चलते हैं गैस की ओर। लीजिए, मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है। अब सबसे पहले हम ये मूंगफली के दाने भूनेंगे। लीजिए, मैंने ये दाने भून लिए हैं। ये जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हरी मिर्ची और ये अदरक डाल दिया है। मैंने ढेर सारी मिर्ची किसी और डिश के लिए भी काटी है, इसलिए एक साथ काट दी है। इसमें थोड़े से आलू डाल देंगे हम। आलूओं को सेक लेते हैं, उसके बाद हम इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। देखिए, अब टमाटर जीरा पाउडर को मिक्स करेंगे और डालेंगे हम साबूदाना। अब हम इनको मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। इसको अब हम छीलते हैं। हमें ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, लौकी मोटी होनी चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही छील लेंगे पूरी। लीजिए, मैंने ये लौकी धुल के रख ली है। अब हमें इस ग्रेटर से हम इसको ग्रेट करेंगे। तो फटाफट ग्रेट करना है, नहीं तो ये लौकी कलर चेंज कर देती है। तो हमारा जो बन रहा है, जो हम हलवा बना रहे हैं, वो सही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें इसे फटाफट ग्रेट करना है मोटे वाले ग्रेटर से। अब इसमें हम डाल देंगे घी। तो मैंने घी डाल दिया है और ये पूरी लौकी डाल दिए। इसे स्लो आंच में हम धीमे धीमे इसमें जो भी पानी है उसको हम सोख करेंगे। इसे धीमी आंच में पकाएंगे। इसे इसको बराबर ही हम ऐसे लौटते पटल पलटते रहेंगे और हम फिर आपको आगे। और देखिए, अभी कढ़ाई छोड़ने लगा है, हलवा हमारा बस तैयार हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे ये फूड कलर। आप चाहें तो ऐसे जैसा सेम कलर है लौकी का वैसा ही रहे, और यदि आप चाहें कलर चेंज करना तो आप इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दें, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, लौकी का जो कलर होता है ना, वही आ जाएगा। लीजिए, अब इसमें हम डाल देंगे कुछ बादाम। हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। एक चम्मच घी डाल दिया है। मैं व्रत में रिफाइंड ऑयल नहीं खाती हूँ। आप यदि खाते हो तो आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, या जो भी आपका रेगुलर ऑयल हो, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। इसलिए मैंने ना खिचड़ी ऑयल में बनाई और ना मैं सब्जी बनाऊँगी। इसमें देसी घी डाला है। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा तड़क जाएगा, तड़क गया तो इसमें मिर्ची और अदरक डाल देंगे। व्रत वाली सब्जी है तो इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं। अब अदरक के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर, और टमाटर को हम भूनने देते हैं। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक पूरी सब्जी का। आप धनिया पाउडर डालना चाहते हो या लाल मिर्ची पाउडर, तो आप डाल सकते हैं।
लेकिन मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी, इतना ही डालना। और इसमें डालने में हमें आलू, इसको अब हम डाल देंगे। आलू व्रत वाले बन के तैयार हो गए हैं। मैं और धनिया मैंने डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और अब आगे के प्रोसेस के लिए हम चलते हैं। लीजिए, मैंने बंद कर दी है गैस और सब्जी तैयार हो गई। मैंने ये मीडियम साइज का आलू, इसको ग्रेट कर लिया है और इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और बिल्कुल हल्का सा नमक डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे ये आटा, ये कुट्टू का आटा है, इसके हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो मैंने इसमें पूरा आटा डाल दिया है, जो एक कप से थोड़ा कम था, पौना कप था आटा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने ये लोइयाँ काट ली हैं और 2-3 चम्मच पानी इसमें लगा है। अब हम घी लगा के पूड़ियाँ हाथ से ही बनाएंगे, बेलन से नहीं बनाएंगे। तो इसको हम पहले लोइयाँ बना लेंगे, उसके बाद इनको हम हाथ से बनाएंगे। और गैस पर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, उसमें घी डाल दिया है। अभी आपको हम दिखाते हैं पास से। लीजिए, मैंने इसमें घी डाल दिया है। मैं इसमें घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे जो भी ऑयल आपको पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। तो अब हम पूड़ियाँ हाथ से ही बनाएंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे दोनों हाथों की, देखिए ऐसे ही हम बनाएंगे। पूड़ी बना ली, अब इसको हम सेकते हैं। लीजिए, सेक ली। अब हम आपको दूसरी पूड़ी और ऐसे ही बना के दिखा देंगे। देखिए, मैंने ली है, चकला बेलन की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी सॉफ्ट है कि हाथ से ही बन जाएंगे। बस आटा अच्छे से लगाने की ज़रूरत है। लीजिए, मैंने दूसरी पूड़ी भी बना ली। ऐसी ही बाकी मैं 2 पूड़ियाँ और हैं तो मैं वो भी बना लूँगी। जी, ये व्रत वाली थाली तैयार हो गई है। नवरात्रि चल रही है ना, तो उसके लिए मैंने व्रत वाली थाली बनाई है। ये कुछ अंगूर, हरी चटनी है जो हमारी होती है ना, आप यदि हरी चटनी पसंद करते हो तो आप भी हरी चटनी बना लें। ये मिर्ची, अदरक और एक टमाटर, हरी धनिया डाली है इसमें। और ये लौकी का हलवा है और ये साबूदाना की खिचड़ी है। आलू और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक मैंने डाला है, मैंने और पूड़ियाँ बनाए हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप व्रत हो तो आप ज़रूर, नमक खाते हो तो आप ये पूड़ियाँ ज़रूर बनाएं और ये आप खा सकते हैं। आप जो भी इसमें खाते हो, जो नहीं खाते हो उसे आप स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साइड में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करते हैं आप। थैंक यू।